हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी मैं आया था कोटद्वार अपने मामा के घर, एंड यहीं से हम जा रहे हैं गांव। तो साथ में है मेरी मामी और ये मेरी छोटी बहन, इसका नाम है तन्नू। सो अभी यहां पे पेट्रोल पंप पे हम यहां पे पेट्रोल वगैरह डलवा रहे हैं। पेट्रोल वाले ने पेट्रोल डाल दिया, ये जानना बंद कर दिया अभी। सो अभी मैं देहरादून में था, देहरादून से सीधा इधर आया। सो टाइम वैसे मिला नहीं व्लॉग वगैरह बनाने का, तो सोचा अब यहीं से स्टार्ट करें, गांव जाएंगे। गांव में आपको दिखाता हूं मैं हमारा गांव किस किस रास्ते। सो अभी मैं कोटद्वार हूं, यहीं से हम जाएंगे धीरे धीरे करके। सो मिलते हैं रास्ते में। सो मौसम तो वैसे ठंडा ही हो रहा है अभी। सो गाइस, अभी हमने शीतपुरी टेम्पल पार कर लिया, पहाड़ी रास्ते में आ चुके हैं। जो घुमा जा रहे हैं तो बिल्कुल चक्कर चक्कर करके ऐसा लग रहा है, जो भी खाया पिया वो निकले गए। देखो भाई, ये ब्रिज है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से बाहर के नज़ारे। सो गाइस, वैसे सिटी एरियाज में ठंड नहीं जितनी गाँव के साइड है। ये हम लोग ऊपर पहाड़ों में रहते हैं तो फिर उधर ज़्यादा ठंड है एज कम्पेयर टू सिटी। बाहर वैसे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरी मामी फेसबुक चलाती हुई मोबाइल वाले मैसेज आते हैं ना आपको, आपके माँ की कसम ये मैसेज 5 बार शेयर करो। मामा कह रहे हैं कि जो भी भेजता है ऐसे 5 बार वाले मैसेज उनको गाली दे दो। वही तो आपको आपके माई का सब मैसेज 10 बंदों को भेजो, फिर 10 बंदे वो आगे भेजेंगे। वही तो, फिर वो आगे भेजेगा वही लौट लौट के फिर हमारे भी आता रहता है रास्तों से, हम भी छोड़ देंगे। फिर वही मैसेज दोबारा भेजेंगे, दोबारा आएगा, दोबारा। खतरनाक करके इस बाहरी रास्ते में यही होता है। तो यहाँ रास्ते को कैसे चलते हैं, पल भर में कैसे चलते हैं रास्ते। आपने गाना सुना होगा, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, यहाँ पल भर में कैसे बदलते हैं रास्ते। बहुत अच्छी आ रही है। अभी हम पहुंच गए दुगड्डा। जहाँ से नीचे आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो ब्रिज है उल्टी आ जाएगी अभी। सोच के उल्टी आ जाती है मुझे। यहाँ से हिमालय का व्यू इतना अच्छा आ रहा है, बट मैं आपको शायद यहाँ से दिखा नहीं सकता ठीक से, मैं ट्राई करता हूँ। देखो तो भाई, वो दिख रहा है आपको, वो है हिमालय जो बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहा। तो वैसे में हम 1.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए सतपुली। सतपुली बेर मार्केट अभी उतरने के बाद हम जरा कुछ सामान वामान ले आता मामी को, कुछ सामान लेने के लिए उतरे हुए हैं सतपुली मेन मार्केट। वो भी है वहां से मेन नहीं पूछ ले नहीं पूछ मैं बड़ा ठीक है इधर दो यहां चारों तरफ सब्जी सब्जी ठीक है।
वापस से अभी वो दिख रही है जो उन्होंने सोर वगैरह पाल रखे हैं पिग वगैरह मस्त, वो भी मैं बैठ गया आगे वाली सीट पे। चलिए देखो भाई देखते हैं कैसा लगता है। बढ़िया अभी मामा भी ड्राइव कर रहे हैं, ये पीछे बैठ के इनके पेट पूरी चल रही है। आराम मिल गया होगा, एक जना कम हो गया तो। तो ये फिर चलते हैं टाइमलेस एंटरप्राइजेस। मामी के सर फर्स्ट टाइम जा रहे ना मामा जी? हाँ। तो पहली बार मामा जी ने पहली बार ही तो पहली बार मामा जी कोटद्वार से आगे अपनी बिल्लो रानी को लेके निकले हैं। मामा जी की राम प्यारी ऐसे धीरे धीरे करके मामा जी को एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो फिर सही रह जाएगा। नहीं फाइनली गाइस अभी हम उतर गए हैं और अभी हम घर पहुंचे नहीं, अभी तो हम रोड पर हैं। अभी नानी आ रही है ऊपर से, तो अभी हमें जाना है वहाँ ऊपर से भी ऊपर से भी ऊपर वहाँ ऊपर नानी ऊपर से नीचे आ गई हमसे मिलने के लिए। तो गाइस हमने अभी रोड से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है, अभी हमें बहुत ऊपर जाना है। सामान देख सकते हो आप बिल्कुल भारी भारी सामान मैंने उठा लिए हैं, छाते मैंने ऐसे बैग में फिट कर दिए। अभी हम चल रहे हैं ऊपर। ये मेरा कैमरामैन कैसा है, कहाँ कहाँ लेके भाग रहा है? चलो गाइस गाइस अभी तो हमने सिर्फ 50 मीटर की दूरी तय करी है और मैं थक गया हूँ, बट अपने को आता था। सो भाई थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे हालत हो गई मेरी खराब, और अभी अभी नानी ने बताया कि ऊपर लाइट नहीं है, दो दिन से लाइट नहीं आई है। तो भाई बिल्कुल ही हालत डाउन हो चुकी है अपनी, सामान उठा उठा के बाकी लोग तो नीचे ही है और हम लोग अभी थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं अकेले। हाँ यहाँ तो बिल्कुल पत्थर भी स्लिपरी है, बिल्कुल फिसल रहे हैं। बिल्कुल यार टाउन हो गई है, ये देखो कैसे मैंने जुगाड़ लगा के अभी बिल्कुल ही हालत हो चुकी डाउन। ये आप बैकग्राउंड में और फोरग्राउंड में देख सकते हैं अभी हम कहाँ पे आ गए हैं नीचे से, आधे घंटे से ज़्यादा तो हो गया हमें चढ़ाई करते हुए। अभी हम बैठ रखे हैं, ये आम का पेड़ है, इस पर वैसे गर्मियों में आम लगे रहते हैं पर अभी तो ये सोच रही है कि आम मिल जाएंगे यहाँ पे, तो आम वाम कुछ नहीं मिलेगा इधर। धूप धूप काफ़ी अच्छी है पर उसी तरीके से हमें पसीने भी आ गए इतने ऊपर चलने के बाद में। क्या पसीने आ गए? अभी मामी और नानी तो नीचे से आ ही रहे हैं। आ गई मां बैठ जाओ। नानी कैसा लग रहा है, थकान वकान हो रही नहीं हो रही? ये नानी ले रही है प्री वर्कआउट एनर्जी, अभी से आई है एनर्जी, मामी को भी दी एनर्जी। सो बस अभी हम सेकंड जगह पर रेस्ट करने के लिए रुके हैं। सो ये गांव है मैट, ये कहीं से पूरा का पूरा गांव खाली हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग रहा करते थे वो लोग अभी नीचे रोड पर शिफ्ट हो गए हैं, और अभी हमें इसके ऊपर एक और गाँव वहाँ जाना है। सो इस गाँव में अभी एक भी जाना रहता,
और ये खेत वगैरह आप घर वगैरह देख सकते हैं, बिल्कुल ही खंडर, बिल्कुल ही अबैंडन हो चुके हैं, बिल्कुल ही खाली। ये रास्ते वगैरह देखो आप, रास्ते में जंगली झाड़ियाँ उग गई हैं, कोई भी लोग नहीं है इधर। पहले यहाँ पे लोग रहा करते थे, बट अभी सारे के सारे नीचे सड़कों पर जा चुके हैं। यहाँ पर अभी हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं। एक घर ये रहा, बाकी नीचे पूरा भरपूर। ये देखो घर के अंदर ये जंगली झाड़ियाँ उग चुकी है। ये नानी, हाँ खंदवार हो रखे हैं। नानी कुछ बताओ इस गांव के बारे में, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? अब यहाँ लोग नहीं रहने वाले। मैडम तो खंदवार हो गया बाबा। तो खंदवार का मतलब गाइस ये मतलब अभी खंडर हो चुका है, यहाँ पे एक भी जना नहीं रहने वाला। और यहाँ पे अब डर लगा रहता है कोई बंदा अकेले आए तो जंगली जानवर वगैरह ना पकड़ ले, या बाघ वाघ की यहाँ पे ज़्यादा डर रहती है। और यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा देखने को आपको जंगली सूअर मिलेंगे, जो कि हाँ सड़क यहाँ पे है ही नहीं, सड़क की वजह से लोग जा चुके हैं। अब ऊपर जो गाँव है वहाँ पे भी लोग गिने चुने लोग हैं, सिर्फ 3-4 घरों में लोग होंगे, वो भी एक एक दो दो बस, और कोई गाँव में है नहीं। फाइनली गाइस 1.5 से 2 घंटे की चढ़ाई के बाद हम लोग पहुंचे घर पर। वो वहाँ पे जो आपके नीचे रोड से दिख रही होगी, वहाँ से हम अभी आए हैं, इधर से शायद दिख रही हो, वहाँ से यहाँ से भी नहीं दिख रही, कहाँ गई? हाँ जो उधर रोड दिख रही है उस रोड से आए हम लोग। अभी हालत हमारी ख़राब है, पूरा पसीने भीग चुके हैं। हाँ सो मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ, सामने का व्यू कैसा आता है। सो ये सामने का व्यू कुछ ऐसा है, ये वाइड है, ये मैं नॉर्मल पे ले आता हूँ। तो ये सामने का व्यू कुछ ऐसा है, यहाँ वहाँ पे थे हम नीचे, वहाँ से इतने ऊपर तक आए हैं। सो इस वजह आपको ये दिख रहा है, ये एवरेस्ट की चोटी है। तो अभी तनु यहाँ पे आ चुकी है, नानी शान को पानी पिलाने जा रही है। तो अभी हम जाते हैं जरा ऊपर, देखते हैं कोई फल वगैरह मिर्ची तो यहाँ ये रखी है। हाँ ये देख सकते हैं आप, ये क्या है, माल्टे ने? ये देखो आप माल्टे, माल्टे उग रखे हैं, ये रे माल्टे, एक माल्टो का पेड़ ये रहा, देख सकते हैं आप लोग, ये रे। सो अभी ऊपर एक चबूतरे का पेड़ भी है। आहा ये एक आम का पेड़ है, तो वैसे ये है चबूतरों का पेड़। सांड जैसे मैंने आपको कहा था, ये रहा सांड, ये आप देख सकते हैं, इसको नानी पानी पिलानी आई है। तो यह चबूतरे का पेड़, चबूतरे मेरे ख्याल से लगे नहीं है इस बार, लगे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप चबूतरे, ये लग रखे हैं, ये माल्टो का पेड़ गिरा, एक चबूतरा ये रहा, मतलब इसमें शायद चबूतरे कम ही लगते हैं, ये तो आधे तोड़ के रखे होंगे नीचे। ये कुछ फसल लग रखी हैं क्योंकि घर के पीछे लगा रखी है। सो गांव गांव तक डी टच पहुंच चुका है, यहाँ का व्यू ही अलग आता है गाइस, यहाँ पे व्यू ही अलग आता है। मेरे बैकग्राउंड का व्यू आप देख सकते हैं, कितना अच्छा व्यू है। सो नानी देखो कहाँ ही पहुंच गई, नानी इधर इसको सांड को पानी पिला रही है। अभी गांव आने का मेन मुद्दा सांड ही है। गाइस आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूं, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत अभी कम है और यहां पे लाइट भी नहीं है। बैटरी होगी मेरे फ़ोन में 7% बैटरी है और यहां बिल्कुल भी लाइट नहीं है। तो अभी लाइट अगर आ जाती है तो फिर मैं व्लॉग्स कंटिन्यू करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।